आपके साथी मेहतो हैं और मेरा नाम पंका लिंगी। और बात यह है कि हम लोग ट्रैकिंग के लिए गया था वो मेहा लेक साइड पे। मेहा लेक जो डिस्ट्रिक्ट लोअर डिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है, तो वहाँ में हम लोग तीन दिन का रास्ता और दो दिन का रास्ता चला है। तो दो दिन के बाद में आधा दिन में हम लोग को वो प्लेन मिले, तो वो प्लेन में हम लोग देखा है कि वो प्लेन के ऊपर में पूरा वो गाची छोटा छोटा बेम्बू पर उग गया था। उसके बाद में प्लेन का जो आगे साइड आगे पोर्शन है तो वो जो क्रैश हो चुका था। उसके बाद में जो प्लेन का साइड में था तो वहाँ पे गोली मिला, उसका गोली हो गया, उसका गन। उसके बाद में अंदर प्लेन का अंदर तो नहीं घुसे, लेकिन जो साइड साइड में डिस्कस होते तो आगे का जो खराब हुआ था उसका उधर में जो हैंडल था वो हैंडल भी ठीक ही था। तो उसके बाद में वहाँ से जो हम लोग जब वहाँ में था तो उस समय में हम लोग पास ना कैमरा था ना मोबाइल था, तो फोटो खींचने का कुछ नहीं था। तो उसी के कारण से हम लोग सामान थोड़ा लेकर के आया था, जैसे कि अभी गुल्ली हो गया, चम्मच हो गया, उसके बाद में चेजस नंबर था, तो वो लेके आके वापस हम लोग अपने घर पहुँचे। नहीं तो वहाँ से हम लोग एक मतलब वीडियो बनाया कि मतलब फ़ोटो वोटो खींचा, तो हम सोचे कि मतलब उसको भैया लोग से पूछा कि क्या करना है, तो उन लोगों ने बताया कि मतलब इसको ये रिवाज में दे दो या तो म्यूजियम में दे दो। तो हम सोचे कि एक म्यूजियम में दिया आधा 25 गोली पीस दिया, इसके बाद 10 पीस या रिवाज में दिया, वो चम्मच वगैरह चेसिक नंबर सब कुछ कुछ मिला था। तो हमने फिर सोचा कि गोली वगैरह बाद में फ़ोटो वोटो कुछ लीक हो जाएगा तो पुलिस पकड़ेगा, तो उस हिसाब से डीसी मैडम को जाके बताया। तो डीसी मैडम से जाके बात करने के बाद फिर एसपी सर से बात किया, तो उन लोग ने बोला कि कहाँ से सामान मिला ऐसे ऐसे, तो उन लोग को ऐसे ऐसे बताया। तो भाई बताने के बाद में उन लोग बोला कि चलो ठीक है, तो अभी थोड़े दिन बाद अगर मौसम ठीक होता बोलने से जाएगा। तो प्लेन मिला, प्लेन में ऐसा कुछ कुछ सामान था, तो हम लोग ने देखा तो गोली में डेट लिखा हुआ था 1941, तो हम लोग को लगा कि वो वर्ल्ड वॉर टू का है।